बहुत आसान तरीके से बनाएं ये शानदार गाजर का हलवा, वो भी मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हलवा बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाजर ली हैं और उनको कश कर लिया है। अब मैं इसमें 1 लीटर दूध डालकर इसको चूल्हे पर पकने चढ़ा दूँगी। गाजर में दूध डाल के मैंने इसको फुल फ्लेम पे रख दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूंगी और इसका दूध खुश्क होने तक और गाजर गलने तक इसको पकाऊंगी। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर दूंगी और इसको ढक के पकाऊंगी ताकि हमारी गाजर जो है वो गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। मैंने इनको 15 मिनट के लिए जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है और आप देख सकते हैं अभी इसमें दूध जो है वो खुश्क नहीं हुआ है। और लेकिन मैं चेक कर चुकी हूँ, गाजर जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं इसका ढक्कन खोल के इसका दूध खुश्क होने तक पकाऊंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। और दूध खुश्क करते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि दूध नीचे नहीं लगे और फ्लेम जो है मीडियम या मीडियम से थोड़ी सी, अगर आपको जल्दी है तो आप हाई करके भी इसको चलाते हुए इसका दूध खुश्क कर सकते हैं। और गाजर मैंने चेक कर ली थी लेकिन मैं आपको भी दिखा दूं कि गाजर बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, हाथ लगाते ही टूट रही है, मैश हो रही है। तो इस तरह से अब इसको मैं, जब तक दूध खुश्क होगा और इसको मैं दूध खुश्क होने तक पका रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं तो आपको कंटिन्यूस चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जल्दी है और आप इसको हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो फिर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिला लें ताकि दूध जो है वो नीचे लगे नहीं। लेकिन अगर नॉनस्टिक पतीली है तो बार बार चम्मच चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा। अब ये देखिए, इसको गाजर को मैंने खुले मुँह के साथ बगैर ढक्कन दिए पतीली के ऊपर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है तो इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब तक मैंने इसको टोटल जो है 25 मिनट पकाया है, 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था और 10 मिनट बगैर ढके पकाया है दूध को खुश्क करने के लिए। तो अब जो है मैं इसमें ये 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ, 1.5 कप और ग्राम्स में 250 ग्राम्स कह सकते हैं। और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी, फिर हमें उस पानी को खुश्क करना होगा। ये देखिए चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पानी को मैं जो है अच्छी तरह से ड्राई करूँगी, पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊँगी। मैंने बिल्कुल फुल फ्लेम करके तेज़ आंच पे जो चीनी का पानी था वो खुश्क कर लिया है। अब मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी। फुल फ्लेम जो है करने का मकसद ये था कि हमें गाजर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने से इसका कलर डार्क हो जाता है जो कि हलवे में अच्छा नहीं लगता है। लाल लाल रंग का हलवा जो है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर, अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप 8-10 इलायची ले लीजिए, उसको मोटा मोटा कूट के डाल लें। और अब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। पाँच छः खाने के चम्मच और अब मैं इसमें साथ ही
मेवे डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई से भी मेवे डाल सकते हैं। इसको एक मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए एक दो मिनट के लिए पका लूँगी मैं। फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। इलायची और घी डालने के बाद मैंने इसको सिर्फ दो मिनट जो है मिक्स करते हुए पकाया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप खोया डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक खोया डाल सकते हैं। मैंने खोए को क्रश किया है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं। तो आपने हलवे को जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाने से जो है वो हलवे का कलर डार्क हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से रेड सा लाल लाल सा हलवा जो है वो देखने में अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट पकाएंगे। मुझे इसको पकाने में 45 मिनट पौना घंटा लगा है। अब हमारा बिल्कुल हलवा जो है वो बन के ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर रही हूँ। बहुत मज़े का और बहुत आसान तरीके से बना हुआ गाजर का हलवा जो है वो तैयार है। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बन जाता है, आधे पौने घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान रेसिपी है। तो मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ ये कितना शानदार और कितना मज़े का लग रहा है देखने में। तो इस तरह का लाल लाल जो गाजर का हलवा होता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। घंटों उसको पकाने के बाद जो उसके रंग को ख़राब कर दिया जाता है, उससे उसके गज़ाइत और उसका जायका, उसका कलर सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो बस इसी तरह आधे पौने घंटे में गाजर का हलवा पका के फारिग हो जाएं और उससे मज़े करें। और आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।